अस्पताल के 6 विभाग में टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई ऐसे मरीजों का परीक्षण किया गया और उन्हें जागरूक किया गया जो इस बीमारी से संक्रमित थे। किस तरीके का पूरा कार्यक्रम रहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। प्रत्येक माह की 15 तारीख के दिन 6 दिवस मनाया जाता है। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें इसी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में टीबी रोगियों की पहचान कर आधुनिक एवं संपूर्ण उपचार किए जाना, आवश्यक जांच एवं समुचित उपचार, HIV एवं डायबिटीज का परीक्षण, पोषण के लिए 500 रुपये का आर्थिक लाभ समेत तमाम तरीके की सुविधाएँ यहाँ आने वाले लोगों को दी गईं। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को टीबी के लक्षणों के बारे में भी जागरूक किया गया। जिला निर्वाचन समन्वयक अधिकारी मोनिका यादव ने जागरूक करते हुए लोगों को बताया कि टीबी की पहचान कैसे की जाए। लगातार 2 हफ्तों की खांसी, बुखार, भूख ना लगना, पचन में लगातार गिरावट, रात में पसीना आना, यह सारे लक्षण टीबी की बीमारी के होते हैं, जिनको लेकर यह कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। अधिकारी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। मोनिका जी, आज किस चीज का कैंप लगा हुआ है? निश्चय दिवस मनाया जा रहा है, ये हर माह की 15 तारीख को मनाया जाएगा। किस तरीके से मनाया जा रहा है और यहाँ क्या जांचें की जा रही है? यहाँ पर टीबी की सभी जांचें की जाएंगी, मतलब की जांच की जाएगी, पेशेंट जो है टीबी क्या निकलता है तो उसके लिए HIV शुगर सब यहाँ पे सारी जांचें निःशुल्क की जाएंगी। सभी स्वास्थ्य इकाइयों का ये निश्चय दिवस जो है हर माह की 15 तारीख को मनाया जाएगा। कैंप कब से लगेगा, लगा है और कब तक चलेगा ये? 15 तारीख को नहीं, कब से शुरू हुआ है, क्या वजह से? 8 बजे। कितने बजे तक चलेगा ये? सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा, उसके बाद रिपोर्टिंग होगी। क्या पोस्ट है आपकी? मैं DPC डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर।